यूट्यूब चैनल फ्रेंड, आज हम बात करने वाले त्रिवेंद्रम से चेन्नई तक की फ्लाइट के टिकट के चार्ज आज के डेट में क्या है। कोरोना के बाद की मैं बात कर रहा हूँ और कैसे हम टिकट बुक कर सकते हैं त्रिवेंद्रम से चेन्नई तक का, और कितना का डिस्टेंस है त्रिवेंद्रम से चेन्नई तक का, और कितना समय लग सकता है इस फ्लाइट को जर्नी करने में त्रिवेंद्रम से चेन्नई तक का, तो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलते हैं सीधे आगे, बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस है 613 किलोमीटर और इसको कवर करने में जो फ्लाइट को समय लगेगा 1 घंटा 20 मिनट। और मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट कोड्स के बारे में। तो त्रिवेंद्रम का है TRV, चेन्नई का है MAA। तो चलते हैं, आपको बुक करके दिखाते हैं कि कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले GoIBIBO पे आओ। वहाँ पर आने के बाद आके आप OneWe पे क्लिक करो फ्लाइट पे। जैसे GoIBIBO पे आया, फ्लाइट पे क्लिक करो, फिर OneWe पे क्लिक करो, फिर यहाँ पर त्रिवेंद्रम डालो TRV। इसके बाद चेन्नई का है MAA। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हो अपने हिसाब से, अपना जो भी जिस दिन भी आपको ट्रिप करना हो उस ट्रिप को मतलब डेट सेलेक्ट कर लो। मान लो 10 सितंबर को हम ट्रिप करने वाले हैं, वन ट्रेवल इकोनॉमिक क्लास। इसके बाद सीधे आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला फ्लाइट्स है इंडिगो का, 13:50 पर फ्लाइट है, 1 घंटा 25 मिनट समय लेते हैं, 15:15 पर आपको पहुँचा देगी चेन्नई, और 4,718 रुपया है, ठीक है, फ्लाइट के फेयर चार्ज। अब यहाँ पर सेकंड फ्लाइट के फेयर चार्ज देख लो, 7:35 पर फ्लाइट्स है, हैदराबाद होकर जाएगी, हैदराबाद में 1 घंटा 15 मिनट स्टॉप है, उसके बाद चेन्नई आपको पहुँचाएगी 11:45 पर, 4,718 रुपये इसके फ्लाइट के टिकट के चार्ज हैं। इसके बाद इंडिगो का है, 18:45 पे है, बैंगलोर होकर जाएगी, बैंगलोर में 1 घंटा 55 मिनट का हॉल्ट है, 23:00 आपको पहुंचाएगी चेन्नई, 4,718 रुपये आपके फ्लाइट के टिकट के चार्ज है। इसी तरह से बहुत सारे फ्लाइट के टिकट के चार्जेस हैं। फ्लाइट का समय देख सकते हो, जो जिस भी समय आपको सेटेबल पर है उस समय आप बुक कर लो, लेकिन कोशिश करो OneWe अगर आपको मिल रहा है तो OneWe ज़रूर बुक करो। जैसे मान लो ये OneWe है, मतलब नॉन स्टॉप है, कहीं भी आपको रुकना नहीं है। अब जैसे हमें ये बुक करना है तो सीधे व्यू फेयर पर क्लिक करेंगे, इसमें भी 2-3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, देख सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो नीचे वाला बुक कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, लेकिन मैं ऊपर बुक कर रहा हूँ तो ऊपर पर सीधे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोर्डिंग पास दिख जाती है, जिसमें आपको पूरी डिटेल रहती है, कब आपको फ्लाइट है, कितने बजे है, कितने बजे पहुँचेगी, सब चीज़ें हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ लो, इसको फॉलो करना है। बगल में आपको प्राइस दी जाएगी, कितना आपको पे करना है। यहाँ पर देख सकते हो 4,728 रुपये है, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद नीचे आना, वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सब अपना पर्सनल डिटेल देने के बाद आगे प्रोसेस करेंगे पेमेंट के लिए, जिसमें आपको ये पूरा पेमेंट आपको करना पड़ता है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी थ्रू से पेमेंट करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही बुक करना। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।